मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ तो अक्सर ये पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग हैं, बाइकर्स हैं, ये इनको रोकते हैं, उनकी हेलमेट नहीं होती है, इनकी ये चीज़ नहीं होती, इनके कागजात नहीं होते हैं, इनको बड़ी देर तंग किया जाता है, ये ऑफिसेज़ में भी लेट होते हैं इस वजह से। आई थिंक मेरी ये बड़ी कंप्लेन है कि मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा जुर्म है वो हेलमेट ना पहनना है या बाइक के कागजात ना रखना है। आपको अंदाज़ा होता है, आई थिंक पुलिस वाले इतने चेहरा शनास होते हैं कि उनको पता होता है कि जी हम किन को रोक रहे हैं और किस लिए रोक रहे हैं। अपने रीजन के अंदर जिस टेरिटरी में वो होते हैं, उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर इस चीज़ पे अपना पोटेंशियल ज़ाया करें, वो देखें कि यहाँ पे आजकल आप देख रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर से थोड़ा सा इनेबल हो गया, तो इस चीज़ की तरफ देखें। हमें तो इनकी तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए, इंस्टेड ये हमें रोक के ये क्यों नहीं आपके पास, वो क्यों नहीं, इनको पता होता है कि हम किनसे बात कर रहे हैं, ये यहाँ कहीं जॉब करने वाला है, इधर ही कहीं नज़दीकी एरिया में जॉब करने वाला है, बट इवन दो उनको तंग किया जाता है। अक्सर मेरे ऑफिस के लड़के इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि सर वो पुलिस वाले ने रोक लिया, तो मैं खुद भी विटनेस हूँ, मैं देख रहा होता हूँ, अक्सर इंटरव्यू भी जाके करता हूँ कि जी क्या हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया कि क्या हो, ऐसी ऐसी क्या बात है, आप क्रिमिनल्स को पकड़ें, अपने ये पोटेंशियल ज़रा उस तरफ लगाएं, ये तीन तीन चार चार लोग बाइक पे बैठे होते हैं, हम खुद देख रहे होते हैं, ये जाओ वो जाओ, उनको ये लोग बिल्कुल बेबस होकर देख रहे होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा यही कि प्लीज़ अपना पोटेंशियल जो है ना वो उस तरफ लगाएं, आप ये देखें कि आपके एरिया में वो कौन लोग अब जो है ना पेनिट्रेट करने लग गए हैं, स्ट्रीट क्राइम्स फिर से शुरू हो गए हैं, इस पर थोड़ा सा प्लीज़ अपना पोटेंशियल लगाएं। इनको जो लोग डेली बेसिस पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स जा रहे हैं किसी न किसी तरह रोज़ी कमा रहे हैं, प्लीज़ इनको थोड़ा सा जो है मार्जिन दे दिया करें, ये कोई इतने बड़े क्रिमिनल नहीं है, अगर ये कागजात भूल गए या नहीं ले आए हैं या नहीं भी हैं पूरे, तो ये कोई इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि इतना बहुत बड़ा कोई ये क्राइम है। आप प्लीज़ उनको जो स्ट्रीट क्राइम प्रोफेशनली कर रहे होते हैं या किसी न किसी तरह किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, सो प्लीज़ उस पर, आई मे बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच।